दोस्तों आज हम एकदम नदी के किनारे हैं और अकेले हैं। अभी शाम का समय है, अभी हम उस लोकेशन चल रहे हैं जहाँ के दोस्तों वह उस जगह पे एक आदमी उस जगह पे मार्क फेंक दिया था किसी ने। वो आदमी वहीं पे भी उसका कुछ कंकाल शरीर अभी भी वहाँ पड़ा है। बताते हैं कि उसकी आत्मा वहाँ पे देखी जाती है अक्सर। यहाँ पे कोई आता नहीं है, कभी क्या लगा मछुआरे लोग आ गए, वो उसको रात में वहाँ देखे हैं। दोस्तों हम अकेले आए हैं पूरा, इतना खतरनाक लोकेशन है दोस्तों, यहाँ अकेले आना है काफ़ी रिस्क भी है, लेकिन हम यहाँ पर अकेले चल रहे हैं। हमारे साथ में कोई नहीं है, पूरा ये नदी है। और जो आप कुछ आवाज़ें आ रही होगी जो कि पानी की, उस जगह पे हम आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों नदी है और हमें जो कंकाल है, कंकाल उस पार है जहाँ की आप ये चीज़ देख रहे हैं, ये चीज़ वहीं पे है। हमें ये नदी पार करके इस पानी में से हमें उस पार जाना पड़ेगा, वो कंकाल उसी पार है। थोड़ा भी अंधेरा हो रहा है, थोड़ा लाइट और लाइट ऑन करते हैं, क्लियर दिखाई देगा। उस पार में पाखी बहुत ज़्यादा है, मक्खी। अब हमें दोस्तों दोस्तों हम उस पार चलेंगे, लेकिन इस नदी में इस नदी को पार करना काफ़ी रिस्क है। पता नहीं यहाँ पे कितना पानी है कितना नहीं है, इसलिए हम चलेंगे लेकिन उस पार देखेंगे क्या वाकई में वो कंकाल वहाँ पे अभी मौजूद है कि नहीं है, क्या चीज़ है वहाँ पे। दोस्तों अकेले हैं इसलिए थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, लेकिन हम चलेंगे उस पार जरूर। पूरा बालू का दोस्तों पहले तो हम इसके अंदर चलेंगे और देखेंगे यहाँ पे कितना पानी है कितना नहीं है, फिर उस पार चलेंगे, फिर हम जूता निकाल लें, क्योंकि वो जो लोकेशन है, जो वो शरीर है कंकाल उसके उस पार है, इसलिए हम पहले इसको इसके अंदर थोड़ा पहले देख लें कितना पानी है, जाने लायक है कि नहीं है, तब कैमरा उठाएंगे उसके बाद ले चलेंगे। दोस्तों हम चल रहे हैं सीधा उस पार, क्योंकि इसको हाथ लेना जूता पहले सोच के, क्योंकि उस पार चलना पड़ेगा, रिक्स है इसमें थोड़ा, क्या पाखी भी है
ये सब पक्षी भी इधर बहुत उड़ रही है, काफी यहाँ पे खतरा भी है। पानी कहीं पे ज्यादा भी हो सकता है, कहीं पे कम भी हो सकता है, इसलिए पैंट तो हमारा पूरा भीग गया है। काफी पानी है, इतने पानी में इतना रिक्स, और उस पार जो बताया गया है तो चलेंगे। ओह पूरा हमारा पैंट भीग गया, पूरा एकदम दोस्तों। हम इस पार आ चुके हैं, इस पार हम आ चुके हैं, और देखेंगे आखिर वो जो बताया गया है क्या चीज़ है यहाँ पे। ऐसा वो चीज़ कहाँ पे है भाई हमें मालूम ही नहीं है, सिर्फ जो यहाँ के लोग बताए हैं। अरे बाप रे यार, ये सब क्या है, हम इस पार पहुँचे नहीं कि सब बहुत ही था, तो काफ़ी ख़तरनाक। बाप रे बाप, रुको तो सब पहले सोच पा लेते हैं, क्योंकि जो ये सब किसी जानवर का हड्डी या किसी चीज़ की हड्डी है। थोड़ा लाइट कम करते हैं क्योंकि मक्खी बहुत आ रही है। पहले हम सोच को पहले, लेकिन पैंट तो पूरा भीग चुका है। ऐसे ही पहन लेते हैं, नहीं तो इतना सा यहाँ पे हड्डी है, कोई जानवर है कि आदमी का है यहाँ पे। पहले चलते हैं जहाँ पे वो आदमी का मुंडी है, जो बताएं यहाँ पे किसी आदमी का मुंडी दिखाई देता है। थोड़ा लाइट तेज करते हैं क्योंकि यहाँ पे खतरा बहुत ज़्यादा है। जी बाप रे बाप, जी बाप रे, ये सब क्या है, बाप रे दोस्तों, ये कोई आदमी का ही है, किसी आदमी का ही है। और ये मुंडी भी दोस्तों, ये चीज तो पूरा ही आदमी का ही है। देखिए दो आंखें दिख रही है, और दोस्तों ये सब इधर भी है, सब आदमी का ही है। देखिए ये तो जानवर का नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसे जानवर का नहीं होता है, ये तो सेम आदमी का ही है, पूरा आदमी का ही है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे सब पड़ा है, ये चीज़ भी देखो, ये चीज़
ये चीज़ आदमी का ही है, क्योंकि जानवर का ऐसा हो ही नहीं सकता। जो भी कोई भी आदमी अगर जानकार हो गए, जिसको भी मालूम है आदमी कंकाल, वो खुद जान जाएगा कि आदमी का कंकाल कैसा होता है। ये चीज़ जानवर का है ही नहीं, ये चीज़ टोटल आदमी का ही है। दोस्तों इस जगह पे काफ़ी खतरा है, काफ़ी रिस्क भी है। ये सब दोस्तों आप देख लीजिए, ये सब इसी का पार्ट है, पूरा बिखर चुका है। पहले सब ये देखो, इस सीने का जो होता है हड्डी वो है, और वो मुंडी वहाँ पे है, और ये हाथ का ये सब है। दोस्तों इस जगह में दोस्तों सिर्फ मैं अकेला, और अकेले में ऐसी जगह पे दोस्तों कोई आम बात नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा रिक्स लेना कोई ऐसा इतना खतरा यहाँ पे हर जगह पे हड्डी है। और यहाँ पे इस जगह पे कई लाशें भी दिखाई देती हैं रात में। दोस्तों अब हम एकदम नदी के पूरा बीचों बीच हैं। आप देखें, हम उस साइड से नदी पार किए थे उस साइड से, और थोड़ा लाइट टेस्ट करते हैं, क्योंकि मक्खी बहुत ज़्यादा आ रही है इसलिए हम लाइट थोड़ा स्लो रखे हैं। दोस्तों हम उस साइड से आए थे, और देखिए हम पूरा नदी के बीच में हैं। चारों तरफ पानी है, यहाँ भी कुछ हड्डी है। दोस्तों चारों तरफ पानी है, सिर्फ बीच में मैं अकेला, और इतनी रात को इसी जगह पे इतना रिक्स। दोस्तों बताते हैं ऐसी जगह पे रात में, पहले तो हम एक बार आपको दोस्तों इस जगह पे रात में अकेला है, इतना रिक्स सिर्फ आपका प्यार है जो हमारी हिम्मत बढ़ाता है। हम इस जगह पे अकेले हैं, और जो आप अभी जो हम आपको दिखाए भी सब, वो सब टोटल आदमी का है। जो भी अगर जानते होंगे वो समझ जाएंगे सब टोटल आदमी के हैं, क्योंकि दोस्तों जो हम नदी में नहीं पार किए, हमारे यहाँ तक पानी था, उधर थोड़ा कम पानी था इसलिए हम उधर से आए, बाकी चारों तरफ बहुत ज़्यादा पानी है। दोस्तों पूरा हम पहले कैचर करेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। जहाँ देखो वहाँ पर हड्डी, पूरा हड्डी ही हड्डी है यहाँ पे, सर लग रहा है पूरा। दोस्तों इस जगह पे दिन में भी कोई नहीं आता है, क्योंकि इस जगह पे इतना आदमी लोग डर चुके हैं। यहाँ पे कुछ जानवर का भी है, जानवर का भी यहाँ पे कंकाल है, ऐसा नहीं कि टोटल आदमी का भी है, लेकिन यहाँ जानवर का भी कंकाल है। क्योंकि जो हम आपको अभी हम दिखाएंगे, आगे हमारा दिख रहा है सामने, लेकिन ये चीज़ आदमी की नहीं है, ये जानवर का है। ये चीज़ ये जो कंकाल है हड्डी, ये जानवर का है,
सेम दिख रहा है जानवर का, लेकिन जो हम इसके पहले आपको दिखाए थे वो चीज़ आदमी का है। दोस्तों यहाँ भी बहुत बहुत कंकाल पड़े हैं। ये सब पूरा कंकाल ही है। ये क्या चीज़ है? दोस्तों बताते हैं, इस जगह जहाँ से पानी की आवाज़ें आ रही हैं, जो आपकी आवाज़ें सुन रहे होंगे, इस जगह रात में कुछ चीज़ की आवाज़ आती है, जो कि यहाँ पे दोस्तों जो पानी वहाँ से इतना तगड़ा गिरता है, आप लहर देख रहे हैं पानी का आप लहर जो देख रहे हैं, और पानी का जो आवाज़ आ रही है वहाँ से, कुछ यहाँ ऐसी एक्टिविटी है कि जो भी यहाँ पे आता है वो बच के नहीं जाता है। देख लीजिए आप नदी का पानी का यहाँ जो भराव है, जो आवाज़ आ रही पानी का, देखिए यहाँ पे कैसा पानी यहाँ पे हिल रहा है, और जो आवाज़ें आ रही है यहाँ पे पानी का यहाँ पे टकराव है, जो कि क्या चीज़ है दोस्तों, ये कोई चीज़ है लगता है, समझ नहीं आ रहा है। पानी का भराव वहाँ से लड़ता है, यदि कोई कुछ चीज़ है, कुछ तो है लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चीज़ है, मतलब कोई जानवर है या कुछ भी होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। काफ़ी रिक्स है, उसको बहुत डर लग रहा है इधर में। दोस्तों इस साइड में हमें वहाँ भी कुछ कैप्चर हो रहा है, उस जगह पे तो जूम करते हैं उस जगह पे, लेकिन इतना यहाँ पे माखी आ चुकी है दोस्तों, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपको आपको थोड़ा सा दिखाते हैं यहाँ की जो पानी का जो भाव, पानी का जो यहाँ बहाव है काफ़ी ख़तरनाक है, और हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इस जगह पे रात में उस चीज़ की एक्टिविटी होती है। दोस्तों हम यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि इतना रिक्स लेना इस जगह पे खतरों से खाई नहीं है। हम पूरा एकदम कंकालों के, जान लो कंकालों के बीच में, और ऐसी जगह पे अकेले पहले ऐसी जगह पे दोस्तों खतरा ज़्यादा है। कम हुई है थोड़ा, लाइट तेज करते हैं। अरे अरे वो क्या चीज़ है? अरे वहाँ पे तो कुछ नहीं था भी, वो क्या चीज़ है? कौन हो?
कौन वहाँ पे दोस्तों? कहाँ गया? इतनी रात को इस जगह पे कौन हो? अरे क्या था वो? कोई जानवर नहीं था? कहाँ यहीं पे था? क्या था वो? क्या चीज करते हुआ अभी हमारे पास? यहीं पे कुछ था। कौन है? कौन यहाँ पे? यहाँ तो कुछ नहीं है, शायद कोई जानवर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ इस जगह पे चारों तरफ पानी, बीच में कैसे क्या कौन आएगा? दोस्तों यहाँ से निकलते हैं क्योंकि अब इससे ज़्यादा रिक्स लेना ठीक नहीं है, और सीधा निकलते हैं उस पार। हम पहले हम सूर्य निकाल दें, उसके बाद चलेंगे उस पार।